आज हमारे चैनल में आपको ले चलते हैं लाइटलो शिलोंग मेघालय, भारत के सबसे सुंदर प्राकृतिक नजारे वाले स्थान से मैं आपको एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। एनसीसी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें? सबसे पहली बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नियमित रूप से हर नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद। लाइट लूंगा लाइट। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों को एनसीसी का फॉर्म फिल करने में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। आप देखिए, जैसा मैंने आपको ग्रुप में एक लिंक भेजा है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ncc.nir.nic.in एनरोलमेंट। अगर आप इसमें जाएंगे, कंप्यूटर सेंटर पर जाकर भी करेंगे तो वैसे होगा, अदरवाइज आप मोबाइल से भी कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको फोटो क्रॉप करने आना चाहिए। फोटो क्रॉप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास एक ऐप होना चाहिए, कंप्रेसर, फोटो कंप्रेसर, इमेज कंप्रेसर है। आप किसी फोटो अगर चूज करते हैं, फोटो चूज किया, सपोज करो ये, यहाँ से मैंने मेरी गैलरी से फोटो चूज किया, फोटो चूज किया, किया इसको, और इसकी साइज अभी बता रहा है 1.1 MB। अब हमको साइज हमारी 50 MB से कम करना है तो हम यहाँ इसको 45 KB कर देंगे। अब 45 KB कर देंगे तो ये क्वालिटी 100% हो जाएगी, कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होते ही फोटो आ जाएगा ये यहाँ पे 39 KB का। अब हम इसको शेयर करके सेव कर सकते हैं। अब सेव करने के लिए इस में एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसको थोड़ा हमको देख लेना है। ये जो ऐप है जिसमें आप लोग काम करेंगे उसमें थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट पूरा हो गया तो इस फोटो को हमने सेव इमेज टू फोन, ओके, फोन हमने इसको इमेज सेव कर ली, जहाँ भी हम चाहते हैं इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया अपना कर दिया, फोटो सेव हो गया, ये इसका डाउनलोड भी कर सकेंगे, यहाँ डाउनलोड हो गया। अब हम वापस लिंक पर जाते हैं जो हम मैंने आपको बताया था। इस लिंक पर जाएंगे ncc.nir.nic.in। अब यहाँ पर क्रोम में आप ओपन करेंगे, अगर आप इसमें देखते हैं ये फॉर्म आपके सामने खुलता है। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट में आपका आ जाएगा असम। फिर आप देखते हैं इसमें आगे डायरेक्टेड आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट सेलेक्टेड है ऑलरेडी। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सभी को शिवसागर सेलेक्ट करना है, चाहे आप कहीं के भी निवासी। फिर आप लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, किसी लड़की का फॉर्म भर रहे हो आप, किसी लड़के का फॉर्म भर रहे हो, अप्लाई फॉर, अगर लड़के का भरेंगे तो JD और SD आएगा, लड़के का भरेंगे तो जूनियर डिवीजन, और लड़की का भरेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, जूनियर विंग और सीनियर विंग, गर्ल्स का होगा जूनियर विंग। फिर इसके बाद नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, यहाँ से बिल्कुल आपको चूज करना है स्कूल कॉलेज नेम। ये इसमें हमारे स्कूल का नाम है JNV शिवसागर। JNV शिवसागर के बाद आगे फिर आपको स्ट्रीम में हमको क्या कर देना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, अदर्स, तो अदर्स पे आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट, हमारी यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का नाम आ गया टेन आसाम NCC डिब्रूगढ़, ओके। इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, जैसे किसी का नाम है तीन वर्ड्स में, तो फर्स्ट नेम में जैसे मेरा नाम है विष्णु प्रसाद नायक, फर्स्ट नेम विष्णु, मिडिल नेम प्रसाद, लास्ट नेम नायक। लेकिन हमें ध्यान रखना है इस नाम के साथ श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, ओके। जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया ये विष्णु, मिडिल नेम प्रसाद, लास्ट नेम नायक, और अगर दो वर्ड्स का है तो आप इसमें देख सकते हैं
जैसे बीच में सिर्फ विष्णु नायक होता अगर, तो मैं विष्णु नायक लिख देता, मिडिल नेम छोड़ देता। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है ये। और हम सभी को कैपिटल लेटर्स में इसको फिल करना है। ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जैसे ईमेल आईडी मेरा कम्प्लीटली nayak.vishnu007@gmail.com। फोन नंबर आपका ये कोई कंपलसरी नहीं है ना, कोड फोन नंबर वाला लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर ये 12 में, इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पुराने समय में क्या होता था, लोकल पिन कोड नंबर के साथ मोबाइल फोन नंबर होता था, अब नहीं है। अब फोटो की बात आती है, फोटो देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से साइज, फोटो साइज शुड बी बिटवीन 2KB and 50KB। हमने फोटो का जो साइज सेट किया है उसी को 2KB से 50KB फोटो चूज किया हमने। जैसे हम गैलरी में जाएंगे फोटो, यहाँ पर फाइल्स में गए तो मेरे पास यहाँ पर ये ऑलरेडी 27KB का एक फोटो है, ठीक है, 103KB का फोटो नहीं है। कोई भी जो भी आपका फोटो है उसकी साइज सेट करनी होगी आपको। अगर मैंने उसको डाउनलोड्स में किया था तो यहाँ पर ये डाउनलोड्स में फोटो आ गया, कंप्लीट इसको मैं ओपन कर दिया, ओके। अब यहाँ पर फोटो चूज हो गया, इस तरह आ जाएगा अगर आपका फोटो सही है तो, नहीं होगा तो फोटो नहीं सेट हो। ये ध्यान रखना है फोटो 50KB से कम का हो, 2KB से ज्यादा हो। आप कंप्यूटर सेंटर पर जाएं तो भी उसी तरह से। दूसरी बात, आगे चलते हैं हम पॉइंट नंबर 13 में क्या लिखा, डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करनी है। कैलेंडर आ गया, ईयर आपका 2010, 9, 8, 7 जो भी है ईयर चूज किया। इसके बाद मंथ चूज किया, मंथ आपका जनवरी फरवरी मार्च जो भी है चूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो डेट, जो भी डेट है आपका, ओके, एज आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। फादर नेम, मदर नेम, यही मिस्टर मिस लिखा हुआ है, चूज कर लेना, ओके, जो भी है। और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर मदर कब से, और सभी जगह आप कैपिटल लेटर्स में ही फिल करें, ध्यान दें। और जो भी रेड स्टार हैं वो सारे फिल करने कंपलसरी हैं सभी को। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम हो गया, नेशनलिटी इंडियन हो गया। उसके बाद अकाउंट नंबर, आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो भी लिखिए, आपका नहीं है तो पेरेंट्स का भी भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी इमरजेंसी में चल जाएगा। IFSC कोड बैंक का जो भी है, लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी, लास्ट क्लास एजुकेशन, ठीक है, क्लास आपका आ जाएगा जैसे 8 है तो EIGHT8 लिख सकते हैं। मार्क्स इन परसेंटेज जैसे 80% तो 80% लिख दिया आपने, ओके। फिर आपका एड्रेस, घर का जो भी है, मैंने जैसे जवान होते अगर लिखा हुआ है मेरे ईमेल आईडी में सेव है। स्टेट आपका जो भी चूज करें, आसाम, ओके, डिस्ट्रिक्ट शिवसागर ही करना है अपने एड्रेस को। पिन कोड नंबर आपका, जैसे हमारे यहाँ का पिन कोड नंबर है 78 56 85, ओके, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर यहाँ टिक कर देंगे, आपका पुराना सारा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, डबल एंट्री नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आप वापस एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस वाला है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। फिर आपका पिन कोड नंबर हो गया यहाँ, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस 30 नंबर बिंदु, पोस्ट ऑफिस जो भी आपका नजदीकी है, जैसे हमारा पोस्ट चाकीमुख लगता है JNB का, और आप लोगों का कोई शिवसागर टाउन में रहता है शिवसागर, तो लिख दीजिए शिवसागर। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन शिवसागर, अगर जिसका जैसा भी जो भी स्टेशन आपका नजदीक पड़ता है रेलवे स्टेशन, अगर पुलिस स्टेशन नजदीक है शिवसागर, अगर तीनों जगह जिसका भी जो है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कंपलसरी है, और नहीं होने से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे मॉल ऑन राइट साइड, ओके, स्टिचिंग, फेस पर कुछ ऐसा निशान है जिससे आपका बॉडी पहचान में आ जाए, तो आप यहाँ दो लिख सकते हैं। ब्लड ग्रुप आपका, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करके कर देना, जैसे मेरा बी पॉजिटिव है, ओके। लेकिन कहीं भी हमको ध्यान रखना है, किसी भी जगह हमने कोमा डेस स्पेस यूज नहीं करना, जैसे यहाँ जवान होते शिवसागर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एड्रेस में जो यहाँ ये एड्रेस दिया है इसमें कोमा लिखा हुआ, अगर कोमा होगा तो आपका सेव नहीं होगा और आपका फॉर्म वापस जैसा है वैसा खुलकर आ जाएगा, इसलिए आपको कोमा डेस नहीं लगाना, सिर्फ स्पेस दे सकते हो आप और वर्ड्स लिखना एड्रेस में। सबसे बड़ी बात ध्यान दें, किसी भी जगह आपको डॉट डैश कोमा नहीं लिखना, ओके। बर्थ डेट में ऑलरेडी वो चूज आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बाकी आपको एड्रेस में खास रूप से ध्यान रखना है, एड्रेस जवाहर नवोदय शिक्षा का लिखा है, किसी भी जगह कोमा डेस नहीं आइए। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे गलती करने से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। दूसरी बात, आपको सभी चीजें कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, ओके। ब्लड ग्रुप तक हो गया, मेडिकल कंप्लेंट इफ एनी नो छोड़ दो उसको नहीं है। स्पोर्ट्स गेम्स आपका 1, 2, 3 स्पोर्ट्स प्रायोरिटी में लिखिए। को करिकुलर एक्टिविटी जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपकी क्वालिटी है, उसे लिखिए, अच्छा रहेगा, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। फिर अदर डिटेल्स, 43 क्रिमिनल कोर्ट में केस हुआ है कोई, 9 ओके। 44 आर यू विलिंगली एनरोल्ड अंडर एनसीसी, यस अपनी मर्जी से एनसीसी ज्वाइन कर रहे, यस लिखा हुआ, एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो बिंदु दिख रहे हैं आपको 43, 44, 45, 46, 47 एज इट इज, ओके, कोई चेंज नहीं करें क्योंकि लगभग इसमें सही यहाँ पे लिखा है। आर यू विलिंगली अंडरगो सर्विस ट्रेनिंग स्पेसिफिक एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर, ओके। आर यू विलिंग टू सर्व नेशनल कैडेट कोर्स अंटिल डिस्चार्ज एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, यस। हैव यू एवर प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एनरोलमेंट अंडर द एक्ट, नो। पहले अप्लाई किया था, नहीं, ओके। 48 Have you been dismissed from NCC? NCC से कभी आपको dismiss किया गया? No. Kin name next of kin, आपके father का नाम लिख दीजिएगा, ओके? यहाँ पे पिताजी का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके पिताजी का नाम है। किसी भी जगह डैश डॉट कोमा यूज नहीं करना है, वापस याद दिला रहा हूँ। हर एंट्री आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, ये 100% ध्यान दे, ओके। इसके बाद आप इन एड्रेस हो गया आपका जो घर का एड्रेस है वही, फिर आपको यहाँ क्लिक हियर टू न्यू कोड ये नहीं करना है, ओके। क्लिक नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट के ऊपर जो ब्लैंक स्पेस दिया यहाँ पे, देखिए कर्सर आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या एंट्री करना है, ये जैसे जो एंटर द कोड लिखा है BH6WN स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना है, और यहाँ पर इसको एंट्री कर देना है जो भी के लिए, ठीक है। इसको हमने एंट्री किया जो अंदर था, नेक्स्ट करते ही आपको सीधा आपका पेज पे आ जाएगा ID पासवर्ड, उसको नोट कर लेना है, ओके। फिर लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्टेक्ट टू सर नायक, तो ये आपको इस तरह से पूरा फॉर्म फिल करना है और ध्यान रखना है। धन्यवाद।